दोस्तों, अब मसाले की सीजन चल रही है, तो ऐसे में हम घर पर बिना केमिकल वाला और अच्छा मसाला कैसे बनाएं, कैसे इसको कूटें, कैसे स्टोर करें, ये सब हमें चिंता रहती है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं गुजरात के हर घर का जाना माना धनिया जीरा पाउडर का मसाला। तो ये मसाला अगर आप घर पर बनाएंगे तो इससे आपकी ग्रेवी, करी और आपकी जो भरवा सब्जी है जैसे बैंगन, आलू, भिंडी, ये सब सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों, मानस कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम बनाएंगे धनिया जीरा पाउडर। तो इसमें हमने ले लिया है 2 किलो साबुत धनिया, जो थोड़े हरे रंग का और छोटा छोटा दाना आता है वो हमें लेना है। और साथ में ले लिया है हमने 1 गोपाल का साबुत जीरा, जो हमने लिया है 1 किलो, पर हमें इसमें डालना है सिर्फ आधा किलो। तो इन दोनों को हम पहले अच्छे से छलनी से छान लेंगे। ऐसे तो हम इसको साफ किए हुए ही लाए हैं, लेकिन फिर से हम इनको छान लेंगे। और अब जाएगा ये 2 घंटे के लिए धूप में, क्योंकि इनका मॉइस्चर हमें निकालना है। हमें इनको पूरे साल तक स्टोर करके रखना है। तो अगर इसमें मॉइस्चर रह गया तो हमारा मसाला बिगड़ जाएगा। तो हमने इनको 2 घंटे धूप में रख दिया था, और अब इसको ले आए हम किचन में। और ये दोनों थोड़े गर्म हैं, तो तुरंत ही हम इनको हल्का हल्का धीमे आंच पे भूनेंगे, ताकि जो इनकी खुशबू है वो और ही बढ़ जाए और बिगड़ने का हमें कोई डर ना रहे। और ये मसाला अगर आप छाछ में डाल कर पियेंगे तो छाछ का स्वाद भी बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसे हम इनको हल्का हल्का भून लेंगे, इनकी जो स्मेल आने लगे तब इनको हम निकाल लेंगे। और ऐसे बड़े बर्तन में हम इनको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और जीरा भी हम पूरा भून लेंगे, मगर आधा जीरा हम स्टोर करने के लिए रख देंगे, साबुत जीरा, और आधा किलो जीरा हम धनिया के अंदर मिक्स करेंगे। ये हमारा नाप हम याद रखेंगे। तो अब हम दोनों को कर देंगे मिक्स, और इनका बनाएंगे पाउडर। तो ले लेंगे मिक्सी का जो बड़ा वाला जार आता है, इनमें हम ऐसे आधा आधा जार भर के इनका बनाएंगे पाउडर। ये हमारा जो 2.5 किलो का धनिया जीरा का पाउडर है वो सिर्फ 30-40 मिनट में हम बना लेंगे, और इसे ऐसे छानते जाएंगे। ये हम फिर से जार में डाल देंगे, फिर से हम आधा कप भर के क्रश कर लेंगे। और ऐसे हमने पूरा जो पाउडर था हमारा धनिया जीरा का वो तैयार कर लिया है, मगर हम एक बार हम इनको फिर से छानेंगे, ताकि अगर इसमें कोई बड़ा वाला दरदरा पार्ट रह गया हो तो निकल जाए, और साथ साथ में ये ठंडा भी जल्दी हो जाए। तो हम फिर से इनको छान लेंगे। और ये हो गया है हमारा छानने का काम पूरा। तो हम एक कांच की बोतल को धूप में रखा है वो ले लेंगे, और आपको ये जो पूरे साल का मसाला है वो बोतल में पूरा प्रेस करके भरना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना रहे, तो ही हमारा मसाला पूरे साल के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारा ये मसाला हो गया है तैयार। तो